वो जो वहां पे है ना व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, वो ना सूर्य भगवान है ना चंद्र भगवान है, वो एयरप्लेन है जो आगे बढ़ के आ रहा है। ये आ गया एकदम पास। बचपन में जब जहाज देखते थे ना तो दूर से अंदाजा लगाते थे कि हाँ जहाज जब वहाँ पे है तो अब आरा पहुंच गया होगा। आरा हमारे तरफ स्टेशन का नाम है, हम भी आरा जिला से ही है यार, तो आरा पहुंच गया होगा। अब भीटा पहुंच गया होगा, अब नेउरा पहुंच गया होगा, अब पटना भी पहुंच गया और दो सेकंड बाद लैंड भी कर गया। जहाज देखकर ऐसा फीलिंग आता था कि एकदम दूर है वो हमारी पहुंच से, बट मन में आता था यार कभी उसमें चढ़ेंगे तो कैसा फील होगा ना, एक सेकंड में एकदम यहाँ से वहाँ, अलग टाइप का फीलिंग होता था। फिर एक आ गया, आ जा, सीख गया सीख गया, सीढ़ी पे चढ़ना सीख गया। कैसे सो रहा है ये, एकदम खरगोश जैसा सोता है तुम शीरो, दोनों पैर छितरा के शीरो सो गया आराम से। आजा 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 सुला देते, आजा आजा, देखो पूछ हिलाया पूछ हिलाया, आओ आओ आओ, ले 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 मेरा तो क्या बस ला दे, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है। इसके पूछ में ना इसका एंटीना है एकदम ऐसे ऐसे करता है करीना कपूर के कमर जैसा, जहाँ इसको किसी बात का खुशी हुआ स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में, टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू विथ माय मॉर्निंग फेस। अभी जस्ट कंघी करा, उसके अलावा मैंने फेस वॉश भी नहीं करा यार। अच्छी खासी फोटो आ रही है मेरी कैमरे में यार, ये इंडियन फैमिलीज में ही होता है। अगर तुम ब्लॉगर हो, घर में ब्लॉगिंग कर रहे हो, हमारे घर में भैया है या फिर पापा जी हैं, अपन दूध रख लेना अलग, ठीक है। बाय माँ, तुम्हारे घर में भैया है या फिर पापा जी है, जरूर वो शर्टलेस होकर तुम्हारे घर में इधर उधर घूम रहे हैं और तुम्हारे ब्लॉग के बीच में आ जाएंगे। ऐसा होता ही है, मेरे साथ तो होता ही है। गर्मी में तो लड़के एक तो शर्ट नहीं पहनते हैं, हमें भी गर्मी लगती है यार। अभी रूम के सारे लाइट ऑफ है, ये जो लाइट आ रही है ना मेरे शक्ल पे एकदम सामने से जो धूप है ना उससे आ रही है, और ये धूप हो रहा है सुबह के 7 बजे, गजब का धूप हो रहा है आजकल। सी सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। अभी हम इफ यू थिंक हम जाके ब्रश करेंगे तो सब कुछ नहीं है, अभी हम जाएंगे वापस अपने बेड पे शीरो के पास, सो जाएंगे आराम से, फिर उठेंगे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। और मेरे साथ ऐसा होता है मोस्टली कि वो जो एक कोट है, सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा, ऐसा की वो कोमा में उन है तो जाग जा, जागा है तो सो जा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है तो जाके सोएंगे। कि मेरे लिए नींद पूरा करना ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी तबीयत ना ऐसे खराब होती है ऐसे। अभी हम सोएंगे कूलर ऑन करके। हाँ हो शिरो जी, ये कौन है जी? यार अपना शीरो तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। बहन बहन इसको कपड़ा से निकलने दोगी तब ना तुम? उठो शीरो, उठने की कोशिश करो, दे हिलाओ तो थोड़ा इधर उधर, मत तंग करो बाबू। हाँ थोड़ा सा नीचे रखो ना, इधर रखो ना थोड़ा सा इधर, हाँ रखो ले, रूट रूस गया, सबसे रूस गया। बिफोर ब्लॉग वाली कंगी है ये। ओ राजू तुम कंघी भी करती हो? तो आज हमने और हमारी बहन ने ना शीरो को एकदम ऐसे नहलाया जैसे कोई छोटा भाई नहा रहा हो। हम पकड़ रहे थे और हमारी बहन उसको नहला रही थी। बहुत क्यूट है यार शीरो, लेकिन अभी नहाता है ना तो पहचान ही में नहीं आता थोड़ा भी, ऐसा लगता जैसे नहीं है अपना शीरो नहीं है, कौन आ गया ये छोटे शीरो का छोटा कंघी। शीरो काहे हमको ऐसे देख रहे हो? ये पंखा चला दिए, पंखा सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। क्या जबरदस्त लाइन है यार, इंस्टाग्राम के किसी क्रिएटर ने बनाया है, एक फनी सा रील था उसमें बोलता है सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। मतलब ये उन लोगों के लिए ना जो बिना मतलब को मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को, जाग जाओ करके दिखाओ, फाड़ में जाओ। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। सोया है तो जाग जा। बहना मेरी तुमको लैपटॉप खरीदा गया समझ गया, पूरा दिन उसी में बैठी रहेगी तुम। सिरा हुआ। तो हम भी घर में छोटे थे ना तो सबको छोटी छोटी बुलाता था, लेकिन छोटी से कब छोटिया बुलाने लग गया, ये हमारा एक्सेंट होता है, छोटिया छोटिया। ऐसे ही हमारा छोटिया, काम करो धरती पे, बोर मत बनो।
घोंगा जैसा मुंह नहीं है मेरा, ये शीरो जो है हमारा, इसको सब शीरो से शिरहुआ बुलाने लगा है। शिरहुआ भी पापा बुला रहे थे। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था, उसमें लिखा था ना कि वी इंडियंस डोंट हैव एलेक्सा और सीरी, वी हैव यंगर सिबलिंग्स। बोलते हैं ना एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, लाइट ऑन कर दो, हमारे घर होता है छुटिया बर्तन रखाओ लाइट ऑन कर दो, ऐसा होता है। तो अपने घर की एलेक्सा है हम यार, एलेक्सा होना बहुत मुश्किल काम है यार। एलेक्सा तुम्हारे लिए कभी चाय रखने नहीं जाएगी, एलेक्सा से ज्यादा काम करना होता है। डोंट कंपेयर अस विद एलेक्सा। शाम के 4 बज रहे हैं, सुबह से कंटिन्यूअसली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तो कौन सा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा पर्सनल है, तो उस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूअसली काम कर रही थी और अभी उसके वजह से बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो गई, यू नो, एक ही पोजीशन पे कंटिन्यूअसली बैठे रहना, बैक में बहुत गंदा वाला पेन हो गया। लेकिन काम करके गर्दा मचा दी आज, तो अभी उठे हैं वो भी, अभी वॉक कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी काम करने के लिए जा रहे हैं। घर पे पूजा है, मम्मी पूजा का सामान लेकर आ रही है एंड आई एम गोइंग टू रिसीव हर। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का पूजा कथा है घर पे, चलिए मम्मी के पास चलते हैं। अभी अभी मम्मी से हमको ये ताना सुनने को मिला है कि बेटा बेटी इस लायक है ही नहीं कि कोई काम बोला जाए, कंघी भी नहीं किए, टी शर्ट डाले निकल गए हम तुम्हारे चक्कर में, ताकि मम्मी को सामान ना उठाना पड़े। ओ भाई मौसम कर क्या रहा है अंदर यार। बउआ पिछले 1 घंटे से चौकी पे बैठे बैठे बौखला गया था, काहे कि हॉल में पूजा हो रही थी इसलिए हम उसको ऊपर ही बैठाए हुए थे, काहे कि हम बहुत दिन बाद खुद से हॉल में पोछा मारे थे, कैसे उतार देते, वहीं पे जाके पसरने के लिए इतना भौंक रहा था तुम। हाँ शीरो स्टॉप बीइंग सो क्यूट यार, ऐसे कौन सोता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ था के सूंघेगा, कुछ खाने के लिए मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस चला जाएगा। बहुत क्यूट है यार शीरो, बहुत मतलब तो बड़ा होगा नहीं हम लोग मिस करेंगे कि ये छोटा था तो कितना प्यारा लगता था। शायद हमारे मम्मी पापा भी यही मिस करते हैं यार, हम लोग छोटे थे कितने प्यारे थे, बड़े होके भगवने हो गए सब।